वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहूँगा। स्टारलाइट का आविष्कार 1980 के दौरान मॉरिस वर्ल्ड के द्वारा किया गया था। इसका फार्मूला बताने से पहले मॉरिस वर्ल्ड दुनिया को अलविदा कर चुके थे और इसका फार्मूला हम लोग एक अंदाजे के तौर पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, स्टारलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कॉर्न स्टार्च। तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में लूँगा। तो ये देख सकते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। और हमको ज़रूरत पड़ेगी ये बेकिंग सोडा, जो कि इसको हम लोग सिंपल भाषा में जानते हैं मीठा सोडा के नाम से। 25% का क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी होगा। और सिंपल तरीके से मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। इसको मैं साइड में करता हूँ, हाथ से मिक्स कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं हमारा कॉर्न स्टार्च बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो दोस्तों, मैं लेता हूँ अब ये फेविकोल। तो सिंपल तरीके से मैं इसको इसके अंदर मिक्स करता हूँ। अब इसको मैं अपने हाथों से मिक्स करता हूँ। तो गाइस, मैं ये दूसरा वाला भी खोल रहा हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको फटाक से एक सेट दे देता हूँ। गोला का आकार दे दिया है, थोड़ा सा धूप में सुखा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये थोड़ा कड़ा हो जाए। तो गाइस, लगभग एक घंटा ओवर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा स्टार लाइट दिखा कि नहीं। और ये देख सकते हैं सूख के ये बीच से फट चुका है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं गाइस, क्या ये वर्क करता है। तो ये हमारा स्टार लाइट बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कहीं पर ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इससे हीटिंग निकलती है वो 1200 डिग्री से भी पार हो जाती है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देख सकते हैं अलग हो चुका है, तो उसको मैं अलग कर देता हूँ। अभी ये जो हमारा पार्ट बचा है उसको मैं ट्राई करता हूँ। कर दूँ तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। जैसे ही गैस स्टोव से हम हीट देते हैं तो तुरंत ही ब्लैक हो जाता है और इसमें से कार्बन के छोटे छोटे बबल निकलते हैं। और स्केलिंग के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को जलने के लिए हमारे वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। और इस हिसाब से बेकिंग सोडा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि बबल फॉर्म में तैयार हो जाता है और इसे जलने से बचाता है। रेड रेड हो रहा है, ये देख सकते हैं हीटिंग कितनी तेज लग रही है। लेकिन मैं इसको हटाकर अपने हाथ नॉर्मल सा हाथ इस पर रख सकता हूँ। ये देख सकते हैं, अब मैं इस पर अपना नॉर्मल सा हाथ इस पर रख सकता हूँ। देख ही सकते हैं, मैं इसको टच भी कर सक रहा हूँ। देखिए, मैं इसको टच करके इसको हाथ में भी ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरा हाथ को जला नहीं रहा है। तो ये देख सकते हैं। और स्टार लाइट 10,000 डिग्री हीट से भी ज़्यादा को सहन कर सकता है। तो देख ही सकते हैं गाइस, इसका ऊपर वाला लेयर जल चुका है, लेकिन नीचे जो पीछे का हिस्सा है बिल्कुल भी नहीं जला है। ये देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ता हूँ और ये देख सकते हैं आप, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये देख सकते हैं, ये ऊपर का लेयर एकदम पतला सा ही लेयर है, देख सकते हैं आप।